हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन के बारे में। आखिर कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन होता क्या? तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ कॉस्ट कंट्रोल एग्जैक्टली होता क्या, फिर हम इसको एक बार रीड करेंगे। कॉस्ट कंट्रोल में हम करते क्या है? देखो, कॉस्ट कंट्रोल के बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिस तरीके से आप कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो। जैसे एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जब आप इंटर लेवल पे आओगे तो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ोगे, एंड मैंने आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में बेसिक्स बता रखा है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक है, किस तरीके से कॉस्ट को कंट्रोल करता है। जैसे अब सपोज मान लो मेरी कंपनी में मैंने कुछ बजट बना रखा है, मेरी कॉस्ट क्या थी, एक एक्चुअल कॉस्ट होगी एंड एक मेरी बजटेड कॉस्ट। अब मेरा टारगेट था यार ये प्रोडक्ट ना मेरी 4500 में बन जानी चाहिए। अब सपोज ये एक्चुअल में 4000 में बन गया, यानी हमने 500 हमने कॉस्ट सेव कर लिया, ठीक। ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो हो गया, अब हमने 500 में कॉस्ट सेव किया। बट अब फिर भी हम ये मैनेजमेंट क्या करेगा, ये चेक करेगा कि यार तुमने 500 किस तरीके से तुमने सेव किया। वो क्या करेगा, चेक करेगा आपके किस चीज़ को, मटेरियल को चेक करेगा, लेबर को चेक करेगा, ऑवरहेड को चेक करेगा। क्या नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कहीं तुमने मेटेरियल खराब क्वालिटी की लेके आए गए और हमारे प्रोडक्शन में लगा दिया, हमारी क्वालिटी कम खराब कर दी तुमने, ऐसा तो नहीं हुआ। ये चीज़ें चेक की जाएगी। लेबर हो सकता है ना स्किल लेबर के काम थे, तुमने अनस्किल लेवल से काम करवा दिया, हो सकता है उसकी क्वालिटी में प्रॉब्लम आ जाए, वो गलतियाँ कर जाए, ये चीज़ें भी चेक करेगा। आखिर किस वजह से हमारा वेरियंस फेवरेबल आया, वाकई में हमने कॉस्ट कंट्रोल किया या फिर हमने इस तरीके से सिनेरियो डेवलप किया कि हमारा कॉस्ट कम हो गया। ये सारी चीज़ें को एनालिसिस की जाती है। सेम लाइक अगर एडवर्स सिचुएशन हुआ, अगर मान लो एक मेरी एक्चुअल कॉस्ट आ गई 4500 एंड मेरी बजटेड कॉस्ट 5000 थी, तो 500 क्या हुआ, एडवर्स हो गया। तो फिर से हम यही चीज़ें चेक करेंगे, फेवरेबल आएगा तो भी चेक करेंगे, एडवर्स आएगा तो भी चेक करेंगे। आखिर फेवरेबल आया तो क्यों आया और एडवर्स आया तो क्यों आया, देन उसके पीछे के सारे रीजन्स को फाइंड आउट करेंगे एंड उसको हम एलिमिनेट करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, जिससे फ्यूचर में वो गलती अगर हमने की होगी तो हम ना करें। और अगर जिस पर्सन की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है हम उसको पनिश करेंगे, जैसे या तो उसके बोनस से पैसे डिडक्ट कर सकते हैं या फिर उसके सैलरी से पैसे डिडक्ट कर सकते हैं या कुछ अदर ट्रीटमेंट कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकती है। तो इस तरीके से करके हम कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर काम करते हैं, हम चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो वेरियंस आ रहा है वो एडवर्स आ रहा है या फेवरेबल आ रहा है, एडवर्स आ रहा है तो क्यों आ रहा है, फेवरेबल आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसके पीछे के सारे रीजंस इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं। अगर जेन्युइन रीजन से अगर हमारा कॉस्ट कंट्रोल हुआ तो बल्ले बल्ले है, अगर जेन्युइन रीजन से की वजह से नहीं है, हमने गलत तरीके से मेटेरियल परचेज किया या फिर इस ऐसा मेटेरियल परचेज किया जिसकी क्वालिटी खराब थी, हम जिस क्वालिटी की मेटेरियल चाहिए थी उस क्वालिटी की मेटेरियल हमने नहीं परचेज किया, तो हमारी क्वालिटी भी तो खराब हो जाएगी, जैसा इनपुट करोगे उसके अकॉर्डिंग तो आपकी आउटपुट भी आएगी। तो ये सारी चीज़ें हम कॉस्ट कंट्रोल में हम चेक करते हैं। अब आइए हम कॉस्ट कंट्रोल के बारे में हम पढ़ते हैं। Cost control is an important derivative of cost accounting. Modern business management is not only must plan for the future, but also must consistently scrutinize the result of operation, so that whatever possible out of control situation can be attacked and eliminated. मैंने आपको पहले बताया कि हमें जो पॉसिबल सिचुएशन है, जो हम गलतियाँ कर रहे हैं वो हमें मालूम चल जाए और हम उसको एलिमिनेट कर सकें, यानी वो फ्यूचर में हमसे गलतियाँ ना हो। कॉस्ट कंट्रोल इज एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्रिशन टू मेंटेन कॉस्ट विद इन ए स्पेसिफाइड लिमिट। कंट्रोल इज ए मैनेजमेंट फंक्शन विच एम्स एट अटेंडिंग मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव विथ लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल। आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सके वो कॉस्ट कंट्रोल की वजह से पॉसिबल है। कॉस्ट कंट्रोल मीन्स इंक्लूड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश करते हैं विद ए व्यू टू एसेसिंग रिजल्ट, तभी तो हम रिजल्ट के साथ उसको कंपेरिजन करेंगे एंड उसको हम एसेस कर पाएंगे कि हमने आखिर किस वजह से एडवर्स सिचुएशन आया, किस वजह से फेवरेबल सिचुएशन आया, वो सारी चीज़ें हम कर पाएंगे। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, हम स्टैंडर्ड पहले फिक्स करेंगे एक्चुअल के साथ कंपेरिजन करने के लिए, एसर्टेन एक्चुअल रिजल्ट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एक्चुअल रिजल्ट के बीच में एनालिसिस फिर करेंगे वेरियंस का, फिर उसके पीछे के चीज़ों को चेक करेंगे आखिर ऐसा क्यों हुआ। एस्टेब्लिशिंग द एक्शन दैट मे बी कॉल्ड फॉर, फ्यूचर में ना हो उसके लिए हम एक्शंस लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम, एक अच्छे कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। अकॉर्डिंग टू बैकर एंड जैको बर्नसन,
एंड इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग डिलाइनेशन ऑफ सेंट्रल सेंटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज डिसाइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स डिसाइड कर देंगे किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी अथॉरिटी को मल्टीपल लेवल पर डेलीगेशन कर देंगे कॉस्ट स्टैंडर्ड्स हम कॉस्ट के लिए स्टैंडर्ड्स फिक्स करेंगे रिलेवेंस ऑफ कंट्रोल कॉस्ट कॉस्ट रिपोर्टिंग कॉस्ट रिडक्शन ये सारी चीजें हम करेंगे अब कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है कॉस्ट रिडक्शन ये होता है सपोज मान लो अब हमारा बजट 4500 था ओके अब बजटेड कॉस्ट मेरी 4500 थी और फिर हमने क्या किया हमने कॉस्ट को कम किया और हमारी कॉस्ट एक्चुअल में आ गई 4000 अब ये एक्चुअल में जो कॉस्ट 4000 आई वो जेन्युइन रीजन था वो हमने इस तरीके से अपने सिनेरियो को ड्राफ्ट किया कि हमने धीरे धीरे अपने कॉस्ट को कम कर दिया तो इसको हम बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन हमने प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं किया सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट बट हमने रिड्यूस प्राइस पे लेके आ गया इसको बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन कॉस्ट रिडक्शन में प्रोडक्ट के साथ हम क्वालिटी के साथ चेंजेस नहीं करते विदाउट चेंजिंग इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट हम कॉस्ट कम कर सकते हैं जैसे अब सपोज मान लो मेरी फैक्ट्री से ये मैं मेरी फैक्ट्री दिल्ली में है और मेरा प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है मुंबई में अब पहले क्या मैं ट्रेन से यहाँ से भेजता था कि ट्रेन से मेरे गुड्स कहाँ जाती थी दिल्ली से मुंबई अब क्या किया मैंने अपना खुद का ट्रांसपोर्ट ले लिया हो सकता है पहले मैं जिस किसी और रास्ते से जा रहा हूँ अब मैं किसी और रास्ते से जाने लग गया जिससे मेरी कॉस्ट कम हो गई ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिससे आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में चेंज किए बिना कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया दैट इज कॉल्ड कॉस्ट रिडक्शन तो कॉस्ट रिडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अगर आप कॉस्ट रिडक्शन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं हो सकता ये लॉन्ग टर्म है कॉस्ट कंट्रोल करते करते आप कॉस्ट रिडक्शन को आप अचीव कर पाओगे ये कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम ऑलवेज इंडेवर्स टू अचीव ए रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन कॉस्ट देखो रियल एंड परमानेंट अचीवमेंट ऑफ रिडक्शन इन कॉस्ट है कॉस्ट रिडक्शन स्टार्ट वेयर कॉस्ट कंट्रोल इंड्स देखो कॉस्ट कंट्रोल तो एंड कर गया जब आपने बजट और एक्चुअल को कंपेरिजन कर लिया उसका एनालिसिस कर लिया वहां पे खत्म हो गया लेकिन हम वहां से भी कॉस्ट को किस तरीके से कम कर सके वो हमारा कॉस्ट रिडक्शन है इट इज अ चैलेंज टू स्टैंडर्ड इटसेल्फ ये एक चैलेंज है कि अपने स्टैंडर्ड से भी अपने कॉस्ट को कम करना The philosophy behind cost reduction is that no item or expenditure is in such an ideal level as to preclude reduction. By cost reduction is meant real and permanent. ये real and permanent है मैंने way of transportation change कर दिया मैंने way of method change कर दिया ये क्या है permanent है हमने permanently cost को reduce कर दिया due to genuine saving in cost. It may mean either producing more and existing level of expenditure या producing at existing level of reduced expenses हमने cost कम किया या फिर हमने quantity इतना ज़्यादा produce करने लगा कि हमारा cost कम हो जाए area of cost reduction किस किस area से हम cost reduction कर सकते हैं design of the product product को हमने इस तरीके से design किया standardize किया and simplification of the product that is most important stage of controlling and reducing cost for once a design is approved and arranged for production made Choice available in the form will be limited. अब जैसे मान लो आप देखो product की जो है ना बहुत ज़्यादा important होती है आपने इतना complicated design बना दिया product कि उसको कि manufacturing करने में एक product को manufacturing करने में मुझे एक दिन लग रहा है तो यहाँ मेरी cost बहुत बढ़ जाएगी अब उसके मैंने designing इस तरीके से किया कि वो easy to manufacture है तो फिर उसकी manufacturing बहुत ज़्यादा volume पे possible है अब जैसे अब मैं आपको बताऊँ handicraft goods होते हैं जो हाथ से लोग बुन के बनाते हैं आप गाँव में देखते होंगे गांव में क्या होता है घास घास से ना बहुत सारी चीज़ें बनाती है बैम्बू के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं बैम्बू ट्री से तो वो सारी क्या होते हैं मैन मेड प्रोसेस होता है उसका बहुत वॉल्यूम पे प्रोडक्शन करना मुश्किल है बिकॉज जो मैन का उसमें टोटली इन्वॉल्वमेंट चाहिए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में तो वहाँ आप नहीं कर पाओगे आप इस तरीके के आप प्रोडक्ट्स बनाओ जहाँ पे ईजिली आप उसको लार्ज वॉल्यूम पे प्रोड्यूस कर सकते हो इस टाइप के प्रोडक्ट्स होने चाहिए आपके पास फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्शन मेथड फैक्ट्री को आप इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करो आप सपोज पता चलो कि यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यहाँ पे है और स्टोर डिपार्टमेंट यहाँ पे है मतलब प्रोडक्शन से स्टोर में रॉ मटेरियल लगाने में मुझे एक दिन का टाइम लग जाता है तो मैं तो ये जो ट्रैवलिंग टाइम हुआ है तो मैं लॉस ही तो क्रिएट कर रहा है इसको बोलते हैं नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी अब पता चले यहाँ से फिनिश गुड्स फिर फिनिश गुड्स का स्टोरेज भी बहुत दूर है अब यहाँ से बन के कहीं और ये सब आपस में आसपास होना चाहिए जिससे आपका ट्रैवलिंग टाइम सेव हो सके
अब डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, एक कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक डिफर्स फ्रॉम कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम इन द सेंस दैट इट डज नॉट एक्सेप्ट स्टैंडर्ड्स और बजटेड। देखो कॉस्ट रिडक्शन में स्टैंडर्ड्स एंड बजटेड नहीं आता, कॉस्ट कंट्रोल में स्टैंडर्ड्स एंड बजटेड आता है। रेदर इट ऑलवेज चैलेंज देम इन ऑर्डर टू मेक इन इम्प्रूवमेंट इन ए प्रैक्टिस हाउएवर बोथ दिस विल बी वर्किंग साइड बाय साइड सो दैट इट विल बी इम्पॉसिबल टू ड्रॉ ए लाइन ऑफ डीमार्केशन। कॉस्ट मे बी लोअर बिकॉज ऑफ लोअर प्राइजेज एट विच से मेटेरियल आर अवेलेबल इन मार्केट, दिस इज वेलकम बट दी हार्डली टू फील सेटिस्फाई एट। रियल कॉस्ट रिडक्शन कम्स वेन लोअर क्वान्टिटी ऑफ इनपुट इज यूज पर यूनिट ऑफ आउटपुट। सपोज पहले 1 kg लगता था किसी प्रोडक्ट को बनाने में, अब आपने उसके लिए 0.8 kg यूज किया तो आपने क्वान्टिटी रिड्यूस कर दिया लेकिन आपने उतना ही आउटपुट दे रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअल रिडक्शन। हाउ बर इफ वन ऑफ द एबल टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ आउटपुट बाई यूजिंग मेटेरियल ऑफ लोअर क्वान्टिटी ऑफ लेबर ऑफ लेसर स्किल्स एंड दोज इफेक्टिंग ए सेविंग इन प्राइस और बजट पे इट विल ऑल्सो ए केस ऑफ रियल कॉस्ट रिडक्शन। तो ये सारी चीज़ें कॉस्ट रिडक्शन के बारे में बताया मैंने, काफ़ी अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस की है। होप सो फॉर द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।